हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और हीट ट्रांसफर के यूनिट 2 के एग्जांपल्स की तरफ आज हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे प्लेन वॉल के बारे में। जैसे कि आप लोग डेटा देख सकते हो, मैं डेटा समझाता हूँ। अ 30 सेंटीमीटर थिक वॉल ऑफ 5 मीटर बाय 3 मीटर साइज इज मेड ऑफ रेड ब्रिक, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों को दे दी है। इट इज़ कवर्ड ऑन बोथ साइड बाय लेयर्स ऑफ प्लास्टर 2 सेंटीमीटर थिक। एक सिंपल वॉल का एग्जांपल दिया है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ऐसी वॉल है, ब्रिक्स है, और उस ब्रिक के ऊपर हम लोगों ने प्लास्टर किया हुआ है, जो सीमेंट का प्लास्टर करते हो, उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है। वॉल के पास में, वॉल में एक विंडो है, द वॉल हैज़ अ विंडो जिसकी साइज दी है 1 मीटर बाय 2 मीटर। द विंडो डोर इज मेड ऑफ 12 mm थिक ग्लास, उसका भी आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया गया है। इफ़ द इनर एंड आउटर सरफेस टेम्परेचर्स आर 15 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू वॉल। एक सिंपल, एक सिंगल मटेरियल से बनी हुई वॉल के बारे में आप लोगों को दिया गया है। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आपके डेटा को समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको डेटा समझ में आ गया है कि डेटा के अंदर क्या बोला जा रहा है, तो आप इजीली अपने एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये प्लेन वॉल के बारे में था या कंपोजिट वॉल के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर की वॉल के बारे में बात की गई है, मतलब हमारे पास में जो है एग्जाम्पल वो हमारे प्लेन वॉल के बारे में है। कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करो तो सबसे पहले डेटा बना करके लिखो, क्योंकि डेटा बना करके जब आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एटलीस्ट हाफ मार्क्स टोटल मार्क्स में से एग्जाम्पल के मिल जाने वाले। जैसे कि डेटा आप लोगों को दिया हुआ है कि जो प्लास्टर किया गया है, अभी प्लास्टर जो किया जाएगा वो वॉल के दोनों तरफ होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है आप लोगों की वॉल में से ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब वॉल का इनलेट और आउटलेट आपका प्लास्टर से कवर किया होगा, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द इनर साइड एंड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर साइड, मतलब क्या, जहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है वो, और जहाँ से हीट ट्रांसफर होकर निकल जाएगी वॉल के उस तरफ, दोनों साइड आपको प्लास्टर मिलेगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K3, दैट इज 0.6 वाट पर मीटर डिग्री। आप लोगों को वॉल की थिकनेस दे दी गई है, द वॉल थिकनेस इज X1 इज इक्वल टू X3, ठीक है, प्लास्टर की कंसिडर में, प्लास्टर का लेयर है इसीलिए, तो वो आप लोगों को दे दिया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, तो ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है, दैट इज 0.3 वाट पर मीटर डिग्री। वह आप लोगों के पास में जो ब्रिक है उसकी थिकनेस आपको दे दी गई है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, मतलब के 30 बाय 10 रेज टू 2 माइनस 2 सॉरी मीटर, ठीक है, आप लोगों को दिया है डेटा में पहले ही, और 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, ठीक है। तो थिकनेस इज गिवन टू यू, जो कि हमारे एग्जांपल के अंदर जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोगों को ये दिया है कि जो हमारी वॉल है उसके अंदर विंडो भी है, और विंडो इज 12 mm थिक, तो आप लोगों को विंडो की भी थिकनेस दे दी गई है, दैट इज X4, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी आप लोगों को दे दी है, दैट इज 1.2 वाट पर मीटर डिग्री। आप सेल्सियस भी ले सकते हो अगर, सॉरी कैल्विन भी ले सकते हो अगर आप लोगों को डेटा में कैल्विन दिया है तो, लेकिन कैल्विन नहीं दिया है तो हम लोग डिग्री सेल्सियस लेकर के चलेंगे। अब द टेम्परेचर्स आर गिवन टू यू, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, और द इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वॉल एंड द आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वॉल इज 40 डिग्री सेल्सियस। जो एरिया आप लोगों को दिया है टोटली वॉल का विथ कंसिडरिंग द विंडो इवन ऑल्सो, दैट इज 5 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब 15 मीटर स्क्वायर, और विंडो ऑफ ग्लास उसके अंदर आप लोगों की विंडो का ग्लास का, दैट इज 1 मीटर बाय 2 मीटर। हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो ये पैरामीटर के बेस पर हम लोग हमारे हीट ट्रांसफ़र को फाइंड आउट करेंगे। द फॉर्मूला फॉर द हीट ट्रांसफ़र इज टोटल हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गिवन कन्फिग्रेशन इज द सम ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपोजिट वॉल एंड द ग्लास वॉल, मतलब कि वॉल में से कितना आप लोगों को हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है और ग्लास में से कितना हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है, ये हमारे लिए फिगर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो आपके वॉल में से हो रही है, तो जो ग्लास एरिया होगा, दैट ग्लास एरिया विल बी कैंसल आउट फ्रॉम दिस पोर्शन, दिस ब्लू पोर्शन विल बी योर कैंसल आउट। आई एम सॉरी, मैंने डेटा के स्टार्टिंग में आप लोगों को प्लेन वॉल बोल दिया, लेकिन ये हमारे लिए केस हो जाएगा कंपोजिट वॉल के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर हो रहे हैं हमारे पास,
प्लास्टर लेयर, फिर ब्रिक लेयर और फिर से प्लास्टर लेयर। तो ये कंपोजिट वॉल का एग्जांपल हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आप एरिया देख सकते हो, तो टोटल एरिया आपके पास में 15 था, और जो ग्लास है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो 2 मीटर स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे, 13 मीटर स्क्वायर इस एरिया के जहाँ पर आप लोगों को हीट ट्रांसफर मिलने वाला है। तो ये जो इनर और आउटर प्लास्टर लेयर होगा वो आप लोगों को एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट करके देगा कि आपके वॉल के अंदर कितना हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट रेजिस्टिंग थर्मल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू द एरिया। आप लोगों के पहले लेयर की थिकनेस, मतलब के प्लास्टर के पहले लेयर की थिकनेस है 2, एज यू कैन सी। ठीक है, ये जो 1 लिखा है वो दिस वन इज द थिकनेस हैविंग 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हम लोगों ने X1 लिया था वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, डेटा के हिसाब से। तो ये जो X1 था, दैट X1 इज द 2K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इनर प्लास्टर लेयर, दैट वाज 0.6। और वॉल ऑफ एरिया हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ एरिया निकाला है। आपके पास में टोटल एरिया था, आपके पास में विंडो का एरिया था, तो ये विंडो के एरिया को आप लोगों ने टोटल एरिया में से माइनस कर दिया, तो उसके बेस पर आप लोगों को मिला आप लोग के वॉल का एरिया। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वॉल के अंदर कंसिडर करना, क्योंकि आपकी जो हीट ट्रांसफर होगी सिर्फ और सिर्फ वॉल में से ट्रांसफर होगी, तो हम लोगों ने उसी को कंसिडर किया है। तो एरिया ऑफ वॉल इज 13 मीटर स्क्वायर। फार्मूला के अंदर वैल्यू रखो, एक्स इज 2 × 10⁻², के इज 0.6 एंड एरिया ऑफ वॉल इज 13। तो आप लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा 2.564 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। उसी तरह से जो ब्रिक वर्क है, मतलब कि आपकी वॉल के अंदर कितना थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा, पहले प्लास्टर लेयर का आप लोगों ने फाइंड आउट किया। देखो ये देखो 0.1 एंड 0.3, ठीक है, ये आपके प्लास्टर लेयर थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये प्लास्टर लेयर के अंदर कितना हीट थर्मल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट किया, फिर आपके ब्रिक के अंदर कितना थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट होगा, कितना लगेगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज R2। और इसका भी सेम फार्मूला, थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया। X2 आपके पास में ब्रिक के लिए थी 30 × 10⁻², जो आपके डेटा के स्टार्टिंग में दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है और एरिया तो आपके पास में है। सिंप्लीफिकेशन करो, आपको वैल्यू मिलेगी 76.92 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। आपके पास में दोनों के लिए थर्मल रेजिस्टेंस है, मतलब टू साइड्स ऑफ प्लास्टर लेयर एंड द सेंटर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। तो इसके बेस पर आपकी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस के बेस पर कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज, ये थर्मल रेजिस्टेंस के बेस पर आपका फॉर्मूला है, द क्यू वॉल, मतलब कि वॉल के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इक्वल टू T0 - TI डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3। TO - TI, TO मतलब आउटर टेम्परेचर ऑफ द वॉल, माइनस TI मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वॉल। आउटर टेम्परेचर आपके पास में था 14 और इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास में 15, जो आपको डेटा में दिया हुआ है। तीनों तीन थर्मल रेजिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। सिंप्लीफाई करो तो आपको कितना हीट ट्रांसफर वॉल में से हो रहा है वो मिल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 304.70 वॉट। अभी वॉल के बाद में हम लोग देखेंगे कि ग्लास में से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप लोग थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास इज गिवन टू यू, दैट इज X4 डिवाइडेड बाई K4 × A ग्लास। X4 आपके पास में दिया हुआ है 12, ठीक है, इसको आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई K4 आपको दिया है 1.2 और एरिया ऑफ ग्लास था 2। तो इसके बेस पर आप लोग थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, 5 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। थर्मल रेजिस्टेंस मिलने के बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आपके हीट ट्रांसफर को, दैट इज T outer - T initial डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। जो लास्ट फार्मूला था उसी को हम लोग फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्लास विंडो के लिए। तो आप लोगों की थर्मल रेजिस्टेंस आ रही थी ग्लास विंडो में 5 × 10⁻³, और टेम्परेचर तो आपका सेम ही रहेगा, दैट इज 40 - 15। तो आप लोगों को क्यू ग्लास भी मिल जाएगा। अभी हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो आपके वॉल और ग्लास का बना हुआ कंबाइंड स्ट्रक्चर है। तो टोटल हीट ट्रांसफर क्या होगा, द टोटल हीट ट्रांसफर विल बी द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉल प्लस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द विंडो
इन दोनों का समेशन करो, दैट इज 304.7 प्लस 5000, मतलब आपका आंसर होगा 5304.7 वॉट, जिसको आप लोग किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 0.3 डेसिमल लेफ्ट साइड को आपको साइड जाना है, तो आपको किलोवाट में आंसर मिलेगा, दैट इज 5.304 किलो वॉट। तो ये था आपके कंपोजिट वॉल का एग्जांपल। देखो, एग्जांपल का डेटा अगर आपको समझ में आएगा तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। डेटा समझो, डेटा के अंदर देखो कि आपके पास में कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू नहीं है, और फिर आप लोग आपके एग्जांपल को सॉल्व करो। तो ये बात थी आप लोगों के कंपोजिट वॉल के लिए। उसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल उसके बिल्कुल। इसके अंदर आपको कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है, और द वॉल ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज मेड ऑफ 200 mm ऑफ थिकनेस, ठीक है, जो कि आउटसाइड में 80 mm प्लास्टिक फॉर्म है, और 20 mm का जो है वो अंदर की तरफ वुड, 20 mm ऑफ वुड ऑन द इनसाइड, ठीक है। द आउटसाइड एंड इनसाइड एयर टेम्परेचर्स, आप लोगों को आउटसाइड और इनसाइड का टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब कि जो आपके लास्ट एग्जांपल में आउटर और इनिशियल था उसकी तरह। तो आउटसाइड का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड का टेम्परेचर है आपका -3 डिग्री सेल्सियस। इफ द आउटसाइड एंड इनसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट्स आर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है, यहाँ पर एक बात समझो, थर्मल कंडक्टिविटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट दिया, मतलब कि यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कौन सा पैरामीटर दिया है, कौन सा पैरामीटर नहीं दिया है, ये चीज़ों को समझ के चलना। अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो रही है, और अगर कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो रही है तो आप लोगों को एच, स्मॉल एच कंसिडर करके चलना है। तो डेटा में हमको ये दिया है, इफ द आउटसाइड एंड इनसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट्स आर रिस्पेक्टिवली 10 एंड 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस एंड द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ ब्रिक फॉर्म एंड वुड, क्योंकि आपके पास में तीन मटेरियल है, तीन मटेरियल का आपका कोल्ड स्टोरेज बना है, ब्रिक फॉर्म एंड वुड, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है रिस्पेक्टिवली 1.02 एंड 0.17 वॉट पर मीटर सेल्सियस। क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो ये एग्जाम्पल है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट के लिए, ठीक है। हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। नेक्स्ट, द रेट ऑफ हीट रिमूव बाय द रेफ्रिजरेशन इफ द टोटल वॉल एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस टेम्परेचर्स एंड मिड प्लेन टेम्परेचर्स ऑफ द कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल के मिडल में, वॉल के बीच में क्या टेम्परेचर होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डेटा समझ लेते हैं, ये आपकी जियोमेट्री बनेगी डेटा के बेस पर। सबसे पहले है ब्रिक, फिर है प्लास्टिक फॉर्म, और फिर बाद में वुड। टेम्परेचर कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है कि आपका जो ब्रिक है वो आपके आउटर एरिया से हवा, एक गर्म हवा के कांटेक्ट में है, और यहाँ पर आप ठंडी हवा के कांटेक्ट में है। टेम्परेचर्स विल बी टी आउटर। तो ये आपका डेटा है, डेटा आपको पता ही है किस तरह से होगा, ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी थिकनेस कितनी है X1 वो भी आपको डेटा में दी है, उसी तरह से प्लास्टिक फॉर्म उसकी थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, वुड उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और थिकनेस, इनिशियल टेम्परेचर -3, फाइनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट दिया हुआ है, ठीक है, एच ओ 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस, एच आई 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर सेल्सियस। एच ओ मतलब कि आउटर सरफेस का, ओवर हियर यहाँ पर एच ओ और एच आई यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। फाइनल एरिया आपको बता दिया था, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे थर्मल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग पहले कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर ध्यान देना, लास्ट एग्जांपल में हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पर थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। योर फॉर्मूला विल बी चेंज, आर ओ आउटर सरफेस के लिए थर्मल रेजिस्टेंस कितना, आर ओ इज इक्वल टू 1/HO × A। आपके पास में एच ओ है, टेन एरिया है,
100 वैल्यू फाइंड आउट करो, आर ओ मिल जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। उसी तरह से ब्रिक के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ब्रिक आप लोगों के लिए एक होमोजीनियस मटेरियल हो गया, ठीक है। ब्रिक के अंदर कितना थर्मल रेजिस्टेंस लग रहा है हम लोगों को वो फाइंड आउट करना है, इसीलिए यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। आउटर में क्या था कि आपकी ब्रिक की जो सरफेस है वो आपके आउटर सरफेस के साथ में किस तरह से कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर कर रही है, जो कि आपको डेटा में क्लियरली बोल दिया है, इसीलिए हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर लिया था। अब आपके ब्रिक के अंदर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब होमोजीनियस मटेरियल के अंदर आप लोग थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है x1/k1 × a थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ योर ब्रिक। तो आप लोगों को वो थर्मल कंडक्टिविटी दी है 1, आप लोगों की जो थिकनेस है ब्रिक की दैट इज़ 0.2 मीटर, और एरिया आप लोगों को दिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा R1 दैट इज 2 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। उसी तरह से रेजिस्टेंस फॉर द प्लास्टिक फॉर्म दैट इज R2 = x2/k2 है। फिर से होमोजीनियस मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, दैट इज आपको आंसर मिलेगा 40 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस वॉट। और उसी तरह से वुड का थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगा R3 = x3/k3 है, उसका फाइनल आंसर आएगा 1.176 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। फाइनली जो आपकी सरफेस है वो फिर से इनिशियल जो एच आई दिया हुआ है, ठीक है, एच आई जो दिया हुआ है उसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए मतलब कि आप लोगों के कोल्ड स्टोरेज के अंदर की, ठीक है, अंदर की वॉल जहाँ पर आप लोगों को कूलिंग इफेक्ट मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर आई शब्द, आई ना, इनर सरफेस, अंदर की सरफेस, नॉट इनिशियल, मैंने गलती से इनिशियल शब्द बोल दिया, नॉट इनिशियल बट इनर सरफेस ऑफ योर कोल्ड स्टोरेज। तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस बनेगा Ri = 1/hi × a, एच आई आपको दिया है 30 और एरिया आपको दिया है 100, दैट इज आंसर मिलेगा 0.333 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, सीधा फार्मूला यूज करेंगे, 1/UA = द समेशन ऑफ योर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। आप लोगों के पास में सारे थर्मल रेजिस्टेंस है, आपके पास में एरिया है, सिंप्लीफाई करो, वैल्यू रखो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/UA का यूए कर दो, और जितने भी थर्मल रेजिस्टेंस आपके न्यूमिरेटर में है उसको रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में ले आओ, मतलब आपका फार्मूला बनेगा U = 1/area ((). सारे के सारे थर्मल रेजिस्टेंस इंटू, मतलब आपका फार्मूला बनेगा U = 1/area ((R0 + R1 + R2 + R3 + Ri)। और ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट मिलेगा 0.224 वॉट/m² सेल्सियस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के बेस पर आप लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये आपने देखा। नेक्स्ट हो जाएगा कि कितनी हीट रिमूव हो रही है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की वजह से, क्यों, क्योंकि आपका कोल्ड स्टोरेज है, हीट ट्रांसफर जो हो रही थी उसको आपने रिड्यूस किया है। कोल्ड स्टोरेज का मेन फंक्शन क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जनरली यही किया जाता है कि हम हमारे फूड को कूलिंग करके रखते हैं, ठंडा करके रखते हैं, ताकि वो, इसको बोलते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लंबा चले। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग हीट रिमूव कर रहे हैं, तो वो हीट रिमूव करने की वैल्यू कितनी हो रही है, दैट इज Q = UA T0 - TI। यू आपके पास में है 0.1224, एरिया आपके पास में है 100, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपका आउटर सरफेस का टेम्परेचर था 25 और इनर सरफेस का टेम्परेचर था -3, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 25 + 3 28 × 100 × 0.224, तो फाइनल आंसर बनेगा 627.2 वॉट, मतलब कि कितनी हीट रिमूव हुई, दैट वैल्यू इज 627.2 × वॉट। उसी तरह से आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस टेम्परेचर्स एंड मिड प्लेन टेम्परेचर्स ऑफ द कंपोजिट वॉल, कंपोजिट वॉल के मिड प्लेन में मिड प्लेन का टेम्परेचर क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस T1, आपके आउटर सरफेस ब्रिक के बाहर की जो सरफेस है जहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा था वहाँ पर कितना हीट ट्रांसफर हो रहा था, उसके बेस पर हम लोग T1 फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं फिगर से समझा दूँ ताकि जल्दी पता चले, ये जो T1 लिखा है, ठीक है, मतलब कि आपके ब्रिक का इनिशियल टेम्परेचर कितना था जब आपके आउटर सरफेस से हीट ट्रांसफर हुई कन्वेक्शन के थ्रू,
ये T1 में कितना टेम्परेचर था, फिर ये ब्रिक वाली फाइनल वॉल जब आपके आपके सेकंड प्लास्टिक फॉर्म के कांटेक्ट में आया, मतलब के प्लास्टिक फॉर्म का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, और जब फिर प्लास्टिक फॉर्म का एंड पॉइंट मतलब कि आपका वुड का स्टार्टिंग T3 कितना था, इस तरह से हम लोग T1, T2, T3 और T4 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले T1 फाइंड आउट करते हैं। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू T0 माइनस T1 अपॉन RO। ठीक है, TO सॉरी सॉरी, 0 0 देख कर ऐसा लग रहा है, TO माइनस T1 डिवाइडेड बाय RO। आपको T1 फाइंड आउट करना है, RO इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, T1 माइनस में इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाने तो वो प्लस हो जाएगा, RO इंटू Q है इक्वल टू के राइट साइड लिया मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा TO माइनस Q इंटू RO। वैल्यू रखो, आंसर आपको मिलेगा 24.37 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 मिल गया। जिस तरह से T1 मिला उसी तरह से हम लोग T2 फाइंड आउट करेंगे, दैट Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R1। थर्मल रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपकी पहली वॉल आ गई अब, तो उसी तरह से आपको T2 फाइंड आउट करना है। सेम T2 को सब्जेक्ट हेड बनाओ और टर्म्स को अरेंज करो, तो आपको T2 मिलेगा 23.11 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से T3 Q इज इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय R2। T3 को सब्जेक्ट हेड बनाओ और बाकी सारे टर्म्स को अरेंज करो, आपको वैल्यू मिलेगी -1.497 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल आपका इनर सरफेस का टेम्परेचर, Q इज इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन R3। T4 को सब्जेक्ट हेड बनाओ एंड योर आंसर विल बी -2.70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप लोगों ने चारों चार टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिए जो कि हमारे लिए रिक्वायर था। दोस्तों मैंने आप लोगों को प्लेन वॉल, कंपोजिट वॉल, और प्लेन वॉल तो नहीं लेकिन कंपोजिट वॉल आया, मतलब आपके आप प्लेन वॉल का भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कंपोजिट वॉल, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट और टेम्परेचर किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए, टेम्परेचर के बेस पर थर्मल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में समझा दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिन के एग्जाम्पल्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, ना समझ में आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।